द स्टोरी सीकर प्रेजेंटिंग प्रोजेक्ट पावर। यह फ्यूचर की एक कहानी होती है जहां पर हमें न्यू ऑर्लीन शहर के अंदर एक मिस्टीरियस डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाया जाता है जो कि एक गैंग के पास आता है और उन्हें एक गोली भी दिखाता है। कोई आम गोली नहीं होती है। इस गोली को खाकर उन सबके अंदर 5 मिनट के लिए सुपर पावर्स आ सकती है, लेकिन सबकी पावर्स अलग अलग होगी। 6 हफ्ते बीत जाते हैं और 6 हफ्ते बाद हमें रॉबिन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। पास सेम वैसी ही 3 टैबलेट्स होती है और वो इन टैबलेट्स को बेचना चाहती है क्योंकि उसकी मॉम बीमार होती है और उसे अपने मॉम के इलाज के लिए पैसों की जरूरत होती है। सर उसके पिता इस दुनिया में नहीं होते हैं। आगे जाती है तब वहाँ 3 लोग बड़ी चालाकी से उसके घेर लेते हैं और उससे उसका बैग छीन लेते हैं, लेकिन वो वहाँ से भाग पाते तभी वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है जो कि दरअसल एक डिटेक्टिव होता है। उन लड़कों पर एम करता है और उन्हें कहता है कि अगर तुमने इस टैबलेट को खाया तुम्हारे अंदर सुपरनेचुरल पावर्स तो आ जाएंगी 5 मिनट के लिए, लेकिन इस टैबलेट्स की एक और सच्चाई भी है कि इन टैबलेट्स को हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इससे तुम तीनों की मौत भी हो सकती है। तो लड़के इस बात से डर जाते हैं और तभी फ्रैंक उनसे उनकी टैबलेट छीन कर उन्हें अरेस्ट कर लेता है। इन उसी समय वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंक यहाँ पर रॉबिन को पहले से ही जानता होता है। उसे पता होता है कि रॉबिन की मॉम की तबीयत यहाँ पर ख़राब होती है, इसलिए वो टैबलेट बेचना चाहती थी। फ्रैंक यहाँ पर उसे टैबलेट वापस नहीं करता और उसके बदले में वो उसे अपनी बाइक दे देता है बेचने के लिए, जिसे पाकर रॉबिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम US आर्मी के मेजर को देखते हैं जिसे एक लड़के के बारे में पता लगता है जिसने कि इस टैबलेट को सबसे पहले कंज्यूम किया होता है। लड़का और कोई नहीं रॉबिन का ही कज़न होता है। मेजर जब उसके घर के अंदर एंटर होता है तब वो देखता है कि रस जलने के निशान है और दीवारों पर बहुत सारे गड्ढे होते हैं। मेजर उस लड़के को घर से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन उसी समय वो लड़का उस टैबलेट को खा जाता है और उसके शरीर में एक आग लग जाती है। वो मेजर को मारने के लिए उसका पीछा करता है। मेजर भागने लगता है और अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ भागना होता है। अब उसे भागते भागते 5 मिनट बीत जाते हैं कि अब उस लड़के की पावर्स खत्म होने वाली हैं। वो लड़का एक साथ 3 कैप्सूल्स खा लेता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। लड़का किसी भी कीमत पर मेजर को मारना चाहता है। भागते भागते एक बाथरूम के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो अपनी जैकेट को कीड़ा करके लड़के पर अटैक कर देता है और उसे अपनी जैकेट में लपेट कर बाथटब के अंदर डुबो देता है। उसे कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे डीलर का नाम जानना चाहता हूँ जो कि तुम्हें टैबलेट सप्लाई करता है। लेकिन वो लड़का इससे पहले कि मेजर को उस डीलर का नाम बताता, ज़्यादा गोलियां खाने की वजह से वो लड़का ब्लास्ट हो जाता है। हालांकि इस ब्लास्ट के अंदर मेजर बच जाता है, लेकिन उस लड़के की मृत्यु हो जाती है। अब हम देखते हैं कि मेजर ने उस लड़के का मोबाइल अपने पास रख लिया होता है। जब मेजर उस लड़के का मोबाइल चेक करता है तब उसे पता लगता है कि उस लड़के का कॉन्टैक्ट बहुत सारे डीलरों से था, वो इन टैबलेट्स की डील किया करता था। अब वो उनमें से एक नंबर पर मैसेज करता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन ये नंबर होता है रॉबिन का। यहाँ दूसरी तरफ हम फ्रैंक को देखते हैं एक बैंक के बाहर, जहाँ पर उसे पता लगता है कि एक बैंक के अंदर आदमी आ चुका है जो कम्प्लीटली इनविजिबल है और जिसे देखना इम्पॉसिबल है, और वो बंदा बैंक में चोरी कर रहा है। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं, लेकिन किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती है। इसीलिए फ्रैंक एक गोली खा लेता है और अपनी वॉच में 5 मिनट का टाइमर लगा के अंदर चला जाता है। हमें वो आदमी दिखाया जाता है जिसके अंदर ऐसी पावर होती है कि भी रंग के पास में जाके सेम वैसा हो जाता है, इसी वजह से वो किसी को भी नहीं दिख रहा होता है। का मतलब ये होता है कि उस आदमी ने भी इसी गोली को खाया हुआ होता है। फ्रैंक को देखने के बाद वो आदमी पैसों का बैग लेकर के भागने लगता है। फ्रैंक उसका पीछा करता है, लेकिन किसी तरीके से वो आदमी फ्रैंक से बहुत दूर चला जाता है और उसके पास एक गन भी आ जाती है। जब वो देखता है कि फ्रैंक लगातार उसका पीछा कर रहा है तब वो फ्रैंक को एक गोली मार देता है। गोली लगने के बाद फ्रैंक नीचे तो गिरता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है। ये बात उस इनविजिबल आदमी को पता नहीं होती। इसी बात का फायदा उठाते हुए फ्रैंक उसे पीछे से पकड़कर जमीन पर गिरा देता है और उसे अरेस्ट कर लेता है। लेकिन उसका सीनियर अब यहाँ पर आ जाता है। फ्रैंक से कहता है कि मुझे अब अपना बैच और अपनी गन दे दो। हाँ, फ्रैंक अपने सीनियर से कहता है कि क्या तुम मुझे जॉब से निकाल रहे हो। तब उसका सीनियर उसे कहता है कि तुमने रूल्स को ब्रेक किया है। दरअसल उस टैबलेट को खाने का मतलब था कि रूल्स को ब्रेक करना। हाँ, फ्रैंक अपने बचाव में उसे कहता है कि बिना इस टैबलेट के हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। उन्हें पकड़ना है, उनसे लड़ना है तो हमें
इस टैबलेट की जरूरत होगी। मैं उन्हें इस शहर से ख़त्म करना चाहता हूँ, आपको मेरा साथ देना चाहिए। इसलिए अब उसका सीनियर ऑफिसर उसे कहता है कि अगर तुम सचमुच ये सब करना चाहते हो तो तुम्हें मेजर को पकड़ना चाहिए, वही इन टैबलेट्स का सबसे बड़ा सप्लायर है। उसी तरफ हम रॉबिन को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट के अंदर अपने कज़न से मिलना जाती है, क्योंकि मेजर ने उसके कज़न के फ़ोन से उसे मैसेज किया होता है। वो वहाँ पर मेजर को पाती है और मेजर उसे पकड़कर अपनी गाड़ी के अंदर ले जाता है। उसे कहता है कि मुझे बताओ कि तुम्हारा सप्लायर कौन है, लेकिन यहाँ पर रॉबिन उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। पर मेजर रॉबिन को बताता है कि तुम्हारी देसी मेरी भी एक बेटी है जिसे कि डीलर्स उठा के ले गए, मैं उसे किसी भी कीमत पर बचाना चाहता हूँ, ये मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मेजर की ये बातें सुनकर रॉबिन उसे उस डीलर के पास ले जाती है जिससे कि वो टैबलेट्स खरीदती है, लेकिन उस डीलर को यहाँ पर शक हो जाता है और वो यहाँ से ट्रक लेके भागने लगता है। इन मेजर यहाँ पर उन सब पर हमला करके उन्हें ख़त्म कर देता है और अब यहाँ पर मेजर को पता लगता है कि ये वो असली डीलर नहीं होता है कि ये डीलर्स के लिए काम करता है। और अब मेजर भी जख्मी हो जाता है और रॉबिन को कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अब यहाँ पर रॉबिन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और अब उन्हें मैप से पता लगता है कि कहाँ पर अगली ड्रग डील होने वाली है। यहाँ पर हमें एक और डीलर दिखाया जाता है जो कि सबको एक नई कैप्सूल दिखा रहा होता है और बताता है कि ये बर्फीली जगहों पर रहने वाले जानवरों की डीएनए से बनाई गई है। इसकी पावर अब हमें चेक करनी है और अब उस कैप्सूल को एक लड़की को खिलाया जाता है, जिसके बाद उसे चैम्बर के अंदर डालकर वहां का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। 500 डिग्री तक का टेम्परेचर होने के बाद भी उस लड़की को कुछ नहीं होता, लेकिन अब यहाँ पर मेजर भी आ चुका होता है क्योंकि अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है। वो यहाँ पर सबके ऊपर हमला कर देता है, पर इससे पहले कि वो ड्रग डीलर को पकड़ता, यहाँ पर फ्रैंक आ जाता है और उस पर गन से एम करके उसे कहता है कि मुझे मालूम है कि पूरे शहर में तुम ही हो जो कि उस टैबलेट को फैला रहा है, तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो। जब वो लोग ये बातें कर रहे होते हैं तभी उस ड्रग डीलर को मौका मिल जाता है और वो अपनी एक टैबलेट खा लेता है, के बाद वो एक बहुत बड़े मॉन्स्टर के अंदर बदल जाता है। फ्रैंक यहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारे गैस सिलेंडर्स को ऑन कर देता है। ऐसे ही ये तीनों उस जगह से बाहर निकलते हैं, तब मेजर गोली चला के उन सिलेंडर्स को ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से उस डीलर की वहीं पर मौत हो जाती है। हालांकि तीनों बच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रैंक ने मेजर को अरेस्ट कर लिया होता है और अब यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। फ्रैंक ने यहाँ पर मेजर को अरेस्ट कर लिया होता है, वो ये बात अपने सीनियर को बताता है, लेकिन यहाँ पर मेजर फ्रैंक को बताता है कि जो लोग इस ड्रग को सप्लाई करते हैं और बनाते हैं, वो जल्द ही एक ऐसा ड्रग बनाने वाले हैं जिसको खाकर इंसान के अंदर हमेशा के लिए वो पावर्स आ जाएंगी। उन्हें अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने के लिए दोबारा इस टैबलेट की कभी ज़रूरत नहीं होगी। इसके लिए वो मेरी बेटी का इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि उसके डीएनए में कुछ खास है, इसलिए उन लोगों ने मेरी बेटी को भी किडनैप कर लिया है। फ्रैंक को अब यहाँ पर मेजर की बातों पर भरोसा होने लगता है। ये तीनों एक पानी की शिप पर पहुँचते हैं जिसका नाम जेनेसिस होता है। सब लोग होते हैं जो कि टैबलेट्स की सप्लाई करते हैं। मेजर जानबूझ के अपने आप को उन लोगों के पास गिरफ्तार करवा लेता है। इसके बाद मेजर को शिप के अंदर लाया जाता है। यहाँ पर रॉबिन और फ्रैंक भी चुपके से शिप के अंदर आ जाते हैं। वो दोनों शिप के एक ऐसे रूम में चले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे कैमराज होते हैं और वहाँ से शिप के हर एक दरवाजे को कंट्रोल किया जा सकता है। वहाँ से रॉबिन फ्रैंक को हर एक गेट के लिए गाइड करती है। वहाँ पर वो एक ऑफिसर भी होता है जो कि हाई सिक्योरिटी के लिए काम करता है। वो भी एक टैबलेट खा लेता है और उस टैबलेट को खाने के बाद वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और अब वो उस रूम में आता है जहाँ पर रॉबिन होती है। उसके आने से पहले ही रॉबिन वहाँ से निकल जाती है और वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर मेजर की बेटी होती है। वहाँ पर रॉबिन को मालूम पड़ता है कि गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले अपने सोल्जर्स को सुपर सोल्जर बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम किया होता है और इस प्रोजेक्ट का हिस्सा मेजर भी होता है। प्रोजेक्ट के अंदर हर एक सोल्जर्स पर खास तरीके की गैस छोड़ी जाती है की वजह से उनकी पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। असल यहाँ पर गवर्नमेंट अपने फ़ायदे के लिए इस प्रोजेक्ट को कर रही थी ताकि सुपर सोल्जर बनाने के बाद वो सभी देशों को ख़त्म करके उन सब पर राज कर सके
इन शॉर्ट पूरी दुनिया पर वो राज कर सके। लेकिन जब मेजर को वो बात पता लगी तब वो वहाँ से भाग चुका था। इन कई सालों बाद जब उसकी बेटी पैदा हुई और बड़ी हुई तब साइंटिस्ट को पता लगा कि उसके अंदर खास पावर्स हैं। इसीलिए मेजर के ऊपर हमला करके उसकी बेटी को किडनैप कर लिया गया ताकि उसके डीएनए पर रिसर्च करके और भी पावरफुल कैप्सूल्स को बनाया जा सके। और अब ये सबके सब यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर गार्डनर आ जाती है। अब वो यहाँ पर रॉबिन को पकड़ लेती है। दरअसल यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि डॉक्टर गार्डनर ही हेड ऑफ द प्रोजेक्ट है और वो ही इस प्रोजेक्ट को रन करती है। और अब रॉबिन के बदले वो एक बार फिर से मेजर की बेटी की डिमांड करती है। और अब यहाँ पर सबको डॉक्टर गार्डनर के लोगों ने घेर लिया होता है। और अब मेजर यहाँ पर एक कैप्सूल खा लेता है। दरअसल यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि मेजर पहले से ही बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और वो कैप्सूल खाने के बाद में बॉडी से बहुत ज़्यादा हीट वेव्स निकलती हैं की वजह से उसकी तरफ आने वाली हर एक गोली और आसपास के सभी लोग पिघलना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर गार्डनर के साथ में उसके सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन इसी बीच में मेजर की भी मृत्यु हो जाती है। भी उसकी बेटी उसके पास आती है और हमें मालूम पड़ता है कि उसके पास भी खास पावर्स होती हैं और उस पावर के खास इस्तेमाल से वो अपने पिता यानी कि मेजर को जिंदा कर देती है। अब ये चारों के चारों यहाँ से निकल जाते हैं। फ्रैंक को यहाँ पर पता होता है कि इन सब के पीछे गवर्नमेंट है, इसीलिए वो मीडिया के सामने गवर्नमेंट को एक्सपोज करना चाहता है। जबकि मेजर अपनी बेटी के साथ में यहाँ से कहीं दूर निकल जाता है। आने से पहले मेजर रॉबिन को एक बैग देता है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं ताकि वो अपनी मॉम का इलाज करवा सके। आखिर रॉबिन जो कि शुरुआत से एक रैपर बनना चाहती थी, अब वो रैपर के रूप में अपना करियर स्टार्ट करती है। इसके साथ में इस फिल्म की ये कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। हम 500 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब हैं। बाकी तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।